कैसे मोदी भाई साहब, कुछ तबीयत ठीक हुई या नहीं? जाबी भी फड़ के बता दे तू और तेरा गोदी मीडिया झूठी खबरें चला चला के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से कैंसिल। कभी बोलते इंडिया में होगी, कभी बोलते साउथ अफ्रीका में। अब सब नंगे हो गए, आया मजा। अब ICC ने बोल दिया इधर ही होगी हमारे देश में। अरे ओ पाकिस्तान का लुटेरा चोर वजीर आजम, होता तुम्हारे देश में लेकिन हम तो नहीं आवेगा ना। हमारा टीम तो अपना मैच हाइब्रिड मॉडल के तौर यू में खेलेगा ना। फिर तुमको उधर आना ठीक है, नहीं तो ग्रुप अलग करता, बस जान छोड़ता। अरे मोदी के बच्चे, तमीज से जाके खेल लेना अपने मैच यूई में, लेकिन फाइनल में पहुंचोगे तो फिर हमारे देश आना पड़ेगा, बेशरम होगे। इसलिए भूतनी वालों बोल रहे हैं कि पहले ही आ जाओ, बाद में भी आना पड़ेगा ना अगर फाइनल में पहुंचे। इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी हो जलील। अरे वजीर आजम साहब, क्यों टेंशन लेते हो इंडिया वालों? तुम भी टेंशन नहीं लो, अबे तुम्हारी टीम उधर यूई में अपने 3 मैच हारेगी, घर को मुंह लटका के वापस जाएगी। भैया नौबत ही नहीं आएगी, बस हार के बेइज्जती होगी। इधर आने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर ही खेलो, हारो दफा हो। अरे मोहसिन भूतनी की, ये तेरे को किसने बोल दिया कि हम तुम्हारे देश फाइनल खेलने आएंगे? हम फाइनल में तो जाएंगे, 3 मैच उधर खेलेंगे, सेमीफाइनल भी उधर, फाइनल भी उधर। तुमको आना ठीक है, नहीं तो तुम्हारे को बाहर करते हैं चैंपियन ट्रॉफी से बाहर, हम अपने देश में रखते हैं। तुमको आना है तो आ जाना। वैसे भी भैया 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद ICC का चेयरमैन मैं ही होगा, मेरे हाथ में होगा, मेरी मर्जी। अबे भूतनी वालों मान जाओ, मेरे देश में रखते हैं इंडिया में, वही खेलने लायक है। तुम्हारा देश खेलने लायक नहीं, वैसे भी उधर एशिया कप भी होगा, विश्व कप भी होगा, उधर आ जाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। अरे बस कर भूतनी के, तुम्हारे देश आएंगे ये तुम्हारी भूल है, हम एशिया कप और विश्व कप में 2026 में भी नहीं आने वाले अगर तुमने हाइब्रिड मॉडल खेला। ठीक है, फिर सब कुछ हाइब्रिड मॉडल की तोड़ होगा, इसलिए बोल रहे हैं चुपचाप आ जाओ, क्रिकेट का सत्यानाश नहीं करो। ठीक है, और तेरे को बहुत घमंड है कि ICC का चेयरमैन बनेगा? भाई जैसी तेरी हालत है 2-4 दिन नहीं टिकेगा भूतनी के, उधर ICC की बात होती है, और भी मेंबर होते हैं, इसी वजह से रोले की वजह से कोई और आया नहीं, अब तो बन गया फोकट में। मुझे नहीं लगता तू एक दिन भी टिक पाए उधर। अरे बस करता यार, आपस में नहीं लड़ता। फिलहाल मैं अभी ICC का चेयरमैन होता, मैं ये फैसला करके जाता, क्योंकि वैसे भी ये जय के बच्चे की बात नहीं है। भैया तेरी उधर फट जाएगी, तू इंडिया का नहीं फिर ICC का होगा भूतनी के। सही कह रहा, तू नहीं टिकेगा। अरे ICC का चेयरमैन फिर अपना फैसला सुनाता, तू तो भूतनी का इनके सामने गिड़गड़ा रहा है, तेरी एक नहीं चलती। चलो पाकिस्तान वाला तो हक पे होता, ये इंडिया वाला खामखा टेंटे करता, इनको चुप कराता, अपना फैसला सुना देता, बस भाड़ में जाइए। अरे शमी सिल्वा, तू गेंडे का गेंडा, दिमाग भी नहीं होता। अबे हम मजबूर होते, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो खाक फायदा होगा, इसलिए हम कोई जुगाड़ कराता, दोनों को मनाता। चलो इंडिया नहीं मानता, पाकिस्तान ही मान जाए, यूई में जाके खेले, लेकिन कोई नहीं मानता। अरे भूतनी के गेंडा, हमने ही तू होता, तेरा में दिमाग नाम का चीज नहीं होता, ये कभी नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान यूई में नहीं खेलेगा जाके, तू भूल जाता अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, इसलिए इधर उल्टा नुकसान होता। इंडिया को निकाल दे, हमको रख ले, ज्यादा कमाएगा। अरे यार बस करता, सब मिशेल वारे ने देता, अबे इंडिया वाला शर्म करता, जय का बच्चा। अरे मोदी ही, तुम भी यार शर्म करता, हमको देखो, हम तुम्हारे को बिग ब्रदर मानता, यार हमारी बात मानो, क्रिकेट का सत्यानाश नहीं करो, क्रिकेट को होने दो, राजनीति से दूर रखता। अरे बस कर, हाथी के बच्चे, बल्कि तू हाथी का बच्चा नहीं, बाप है, हमारे को बड़ा भाई मानता है, पीठ में खंजर फोंका, पाकिस्तान भागा भागा जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन टेंशन नहीं है, हम अकेले अपने दम पे पाकिस्तान को लिटा लेंगे, देखना। अरे जय के बच्चे, भूतनी के तू अकेला कुछ नहीं कर सकेगा, वैसे हम अंग्रेज लोग होते हमेशा हक सच का साथ देते, हम पाकिस्तान के साथ है, अबे कुछ नहीं हो सकता। अब ICC चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में घूम रही है, उधर ही होगा, चुप करो आ जाओ। अरे बस कर, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं क्या नाम होता, अबे भूतनी का हमारा इतना बड़ा देश है, हम भैया अपना पावर दिखाएंगे, सारा रेवेन्यू हमसे तो जाता है भैया, हम नहीं खेलेंगे, हम अपने देश में करवाएंगे अगर जिद पे आगे, ठीक है ना। अरे मोदी का बच्चा, ये राजनीति नहीं होता, ये तेरा देश नहीं होता, जिधर का तू प्रधानमंत्री होता, ये क्रिकेट होता ICC। अरे ICC वाला अपना कड़क फैसला सुनाता, जैसे ये श्रीलंका वाला समी सिल्वा बोला इनको बाहर फेंको, फिर इनको औकात का पता चल जाएगा। अरे बस करता इंग्लैंड वाला बुड्ढा, ICC चेयरमैन तुम जाता, अभी जाता, जान 2-4 दिन के बाद वैसे ही हमारे देश का जैसा बन जाएगा, हम खुद देख लेंगे, हम अपने देश में कराएंगे, बल्कि फिर हमारा इतना बड़ा देश है, इधर से लोग देखते तो सारे मैच हम अपने इधर ही खेलेंगे।
हाँ जय बुरादर, जब तुम आईसीसी का चेयरमैन बनो सब उल्टा सीधा सही करो, इंडिया के तमाम मैच इंडिया में रखो, क्योंकि इधर से ज्यादा रेवेन्यू मिलता, ज्यादा लोग देखता, आईसीसी को भी फायदा, हमारे को भी फायदा, तेरी भी वाह वाह हो जाती आईसीसी में। अब ये रूल बना दो, इंडिया किसी देश में नहीं जाएगा। अरे बस कर मोदी के बच्चे भूतने के, ऐसे दूसरे क्रिकेट बोर्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा, घंटा उनका दिमाग खराब है, तुम्हारे देश में आएंगे। अरे भूतनी वाले बस करो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, ज्यादा टेंटन नहीं करो, नहीं तो वही होगा जो भैया सनी सिल्वा ने बोला, श्रीलंका आएगा। और ये जय का बच्चा चेयरमैन बनता भी जो हालत होता, दो दिन नहीं टिक पाता, मैं हाथ जोड़ता कि क्रिकेट तबाह ना होता, लगता तुम लोग नहीं बाहर जाता, क्रिकेट का सत्यानाश करोगे, इसलिए फिर भैया तुम जाता, हम श्रीलंका को इन करता, तुम आउट होता। आईसीसी चेयरमैन बोलने से कुछ नहीं होता, दो चार दिन देखो, नहीं दो इनको फैसला सुना दो, ये कुत्ते का पूछो तो साला, जिंदगी भर पैंप में डालो, पैंप को ही टेढ़ा कर देगा, निकालने से पहले ही टेढ़ा पैंप टेढ़ा हो जाएगा, सुधरेगी नहीं। हाँ मोदी के बच्चे अभी भी समय बाज आ जा, नहीं तो हमारा तुम्हारा मैच नहीं होगा, जो स्टार स्पोर्ट $3 अरब डॉलर दिया ना वो $1.5 अरब देगा, फिर $1.5 अरब वापस मांगेगा, फटेगी तेरी 40% तूने ठूसा, कहाँ से देगा भूतनी के, कोई फिर भीख मांगेगा। अरे छोड़ यार वजीर आजम साहब, भैया तुम जाके अपना काम करो, इनको मैं देख लूंगा, आस्ते आस्ते रास्ते पे आ रहे हैं, थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, अब नंगे हो रहे हैं, गोदी मीडिया भी सब कुछ जो बकवास कर रहे थे मीडिया पे सब झूठ पकड़ा गया, अब मैं लेन पे ले आऊंगा, टेंशन नहीं लो। वैसे भाइयों आपको क्या लगता है यार, अब हम डटे पड़े हैं, बस आईसीसी शर्म करे यार, हम हक पे, हमारा साथ दे, खामखा इंडिया को साथ नहीं दे, आईसीसी को अपना लालच, आईसीसी वालों लालच छोड़ो, पैसा नहीं मिलता, नहीं मिले हमारे साथ इंसाफ करो। बुरा दर टेंशन नहीं लेता, तुम जो खड़ा है हम अब तुम्हारा भरपूर साथ देगा, तुम टेंशन नहीं लेता, इंडिया को तुम्हारे देश लाएगा, ना आया तो नुकसान का भरपाई इंडिया करेगा, 40% नहीं बल्कि 100% इससे लेंगे, क्योंकि ससुर का नती फोकट में नहीं आता तुम्हारे देश।